पंडित जी, बहुत दिलचस्प चर्चा चल रही थी आप जो बता रहे थे माँ के प्रकट होने को लेकर के, और मार्कंडेय पुराण का जब जिक्र करते हुए बता रहे थे, मैं चाहूंगी इसको और थोड़ा आगे बढ़ाइए, आगे क्या बताया गया है। देखो, तस्यास्तुदंता संभूता प्राजापत्येन तेजसा नयनम त्रितयम यज्ञे तथा पावक तेजसा। प्रजापति के तेज से माँ के दांत प्रकट हुए और अग्नि के तेज से माँ के तीनों नेत्र प्रकट हुए। अग्नि के तेज से माँ के तीनों नेत्र प्रकट हुए। तो ऐसे में ये माता का जितना स्वरूप है, किसी न किसी देवता के तेज से इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि ये माँ कात्यायनी देवताओं का दुख दूर करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई हैं। पंडित जी, लेकिन एक चीज, माँ के ये जो देवताओं के तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई, उसके पीछे एक तो रहस्य क्या, और दूसरा ये कि असुरों के संहार के लिए ही सिर्फ हुआ या इसके पीछे कोई और कारण भी था? देखिए, कोई कारण और नहीं था। कारण ये था कि जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म लुप्त होने लगता है, तो कभी श्रीहरि विष्णु आकर अवतार लेते हैं और कभी उनसे उनके अंश स्वरूपा उनकी योग माया आकर अवतार लेती है। और परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। जब जब इस धरती पर सज्जनों को दुख दिया जाने लगता है और दुष्टों का उत्पात बढ़ जाता है, तब तब यहाँ भगवान किसी न किसी रूप में आकर के वो जगत का कल्याण करते हैं। इसी तरह से ये देवियाँ जो है भगवान श्री हरि की योग माया है, और ये भी प्रभु श्री हरि की ही इच्छा से अपना प्राकट्य करती हैं, और ये भी देवताओं के कार्य साधन में ही सहयोग करती हैं। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसे देवी राधा, ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, ये कोई अलग से देवी नहीं है। ये भगवान की प्राण स्वरूपा, भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं। उसी तरह से ये जो दुर्गा हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि राधा जी का मंत्र है श्री राधाय स्वाहा, ये खड़ाक्षर मंत्र है 6 अक्षरों का। अच्छा। और दुर्गा का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवारण मंत्र है। दुर्गा बुद्धि स्वरूपा है और राधा प्राण स्वरूपा है। श्री हरि से कोई बिलग नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, ध्रुवौ च संदयोस्तेज श्रवणया श्रवणानिलयस्य च अन्यैसायं चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा। संध्या के समय तेज से माँ की भौहें प्रकट हुई, वायु के तेज से माँ के कान बन गए, इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से शक्ति रूपी दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई। आपको सुन करके आश्चर्य न लगे। और ये सब घटना कहाँ घट रही है? कात्यायन ऋषि के आश्रम में। उस समय कात्यायन ऋषि थे, उनके आश्रम में माँ का प्राकट्य हो रहा है, इसीलिए उनका आगे चल करके नाम पड़ेगा कात्यायनी। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे लिए फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन आपके भी दुख माँ दुर्गा हरें, आपके भी बुरे वक्त का माँ दुर्गा संहार करें, इसके लिए आपको माँ दुर्गा की उस अपार शक्ति का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, जिसके बारे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। आगे और भी बहुत दिलचस्प चर्चा रहेगी, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवरात्र स्पेशल काल चक्र जय माता दी में। शक्ति को समझेंगे तभी शक्ति की पूजा कर पाएंगे। हर साल नवरात्र में पंडित जी आपको मां अंबे की पूजा विधि, कन्या पूजन विधि और उपाय बताते हैं, लेकिन आज कालचक्र का विषय कुछ हटकर है, कुछ अलग है, कुछ बहुत खास है। और इसका उद्देश्य साफ है कि जिस देवी की आप 9 दिनों तक उपासना आराधना करते हैं, उनकी शक्ति को आप सही मायने में क्या जान भी पाए हैं, यही आज का उद्देश्य है। तो चलिए अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और देवताओं के तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई, इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि यहां तक पंडित जी आपने बता दिया क्या किस तेज से, किनके तेज से क्या प्रकट हुआ, इसके बाद फिर क्या होता है उनका स्वरूप आकार लिए जाने के बाद? देखिए, अब मैं आपको बताता हूं
कि इस संसार की रक्षा करने के लिए किस देवताओं ने माँ दुर्गा को क्या भेंट किया। शूलं शूलादि निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाक धृक चक्रम च दत्तवान कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल करके माँ कात्यायनी को माँ दुर्गा को अर्पित किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती जगदम्बा को समर्पित किया। इस तरह से अस्त्र शस्त्रों से भी अब माता को देवता लोग सुसज्जित कर रहे हैं। ध्यान से अगर आज आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि माँ के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं वो किसी न किसी देवता के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, इसलिए उनकी क्षमता और भी ज़्यादा है। जय माँ विंध्यवासिनी। लेकिन पंडित जी, माँ के हाथ में तो शंख, धनुष, बाण, तरकश ये भी होता है। हाँ। तो ये किन्होंने भेंट किए माँ को और इसका उद्देश्य क्या था? हाँ, सही बात है। शंखम च वरुणम शक्ति ददौ तस्य हुतासना मारुतो दंतवाश्चर्प बाण पूर्णे तथो सुधि। वरुण ने शंख भेंट किया है आशा, और अग्नि ने उन्हें शक्ति दी है, और वायु ने धनुष बाण से भरे हुए दो तरकस प्रदान किए हैं जिसको अक्षय तुड़ीर कहते हैं, जिसमें से कभी बाण नहीं समाप्त होते हैं उसे अक्षय तुड़ीर कहते हैं। तो इस तरह से माता को सारे अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, वज्र भी है माँ के हाथों में और घंटा भी है, ऐसा ही स्वरूप है। हाँ। तो वज्र तो समझ आता है, घंटा और ये एक तो प्रदान किन्होंने किए और उसका महत्व क्या है ये? हाँ, देखो वज्र तो सीधा सीधा इंद्र का है जी, इंद्र के पास ही रहता है। तो वज्रम च समुत्पाद्यम कुलिशादमराधिप ददौ तस्य सहस्राक्ष घंटा मैरावतात गजात। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र का निर्माण करके माँ दुर्गा को दिया, और एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी माँ कात्यायनी को प्रदान किया। ये हमारे शास्त्रों का कथन है, मार्कंडेय पुराण ऐसा ही कहता है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आपने माँ के स्वरूप पर बहुत गौर से नजर डाली हो तो आपको दिखेगा कि माँ के हाथों में दंड, पाश, स्फटिक की माला और कमंडल। तो पंडित जी, जब उद्देश्य था महिषासुर का मर्दन करना, तो फिर ये क्या संदेश देता है? देखिए, ऐसा है ना, उद्देश्य चाहे जो हो लेकिन आदमी को अपने मूल स्वरूप में रहना चाहिए। भगवती का मूल स्वरूप जो है वो चिन्मय है, चिन्मयानंद है। वो सच्चिदानंद की मतलब की जो है वो प्रेम लक्षणा शक्ति है। तो कालदंडादमौदंडम पाशम चाम्बुरफतिर ददौ प्रजापतिश्चाक्षमाला ददौ ब्रह्मा कमंडलुम। यमराज ने कालदंड से दंड प्रकट करके दिया, और वरुण ने उन्हें पास दिया, प्रजापति ने स्फटिक की माला प्रदान की, और ब्रह्मा जी ने एक दिव्य कमंडलु भी उन्हें प्रदान किया। इस तरह से देवी के स्वरूप की पूर्णता होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और माँ दुर्गा के चेहरे पर जो तेज है, उनके हाथ में जो ढाल है, तलवार है, वो किन देवता ने दी, आइए वो भी जान लेते हैं। और तेज तो पंडित जी, जब देवताओं के ही तेज से प्रकट हुई तो तेज तो होना सामान्य बात, लेकिन ये जो ढाल है, ये तमाम चीजें, ये किन देवताओं ने उनको दिए? समस्त रोम कूपेशु निज रश्मीन दिवाकर कालश्च दत्तवान खड्गम तस्याश्चर्म च निर्मलम। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। अब सोच लो, जिसके हर रोए में, हर रोम में सूर्य का तेज हो, वो कैसा? सोच के कल्पना करके देखो, जिसके एक एक रोम से एक एक सूर्य की तेज जैसी आभा निकलती हो, फिर वो देवी कैसी तेजस्विनी होंगी। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी है, काल ने दी है, काल ने। जिस काल से कोई नहीं बचता है, वही काल उनको तलवार और ढाल दे रहा है। तो आप सोचिए, उनके भक्तों की रक्षा में कैसे संदेह हो सकता है? तो आप सभी लोगों को कहता हूं कि अगर आपने दुर्गा सप्तशती का संस्कृत में बहुत बार पाठ किया है, लेकिन एक दो तीन बार आपको चाहिए
कि हिंदी में भी उसका आप अर्थ पढ़ें और अपने मन की गहराइयों में भावार्थ तो आपको किताब में मिल जाएगा, रहस्यार्थ को भी समझने के लिए चिंतन करें कि आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि दुर्गा सप्तशती को समझना इतना आसान कार्य नहीं है। एक बार कथा हो रही थी आशा जी, तो मैं ही कथा कह रहा था, तो मैं बता रहा था कि एक बार भगवान विष्णु अपने योग निद्रा में थे और बहुत दिनों तक योग निद्रा में थे और ब्रह्मा प्रकट हो गए उनके नाभि कमल से। ब्रह्मा ने जब भगवान विष्णु को देखा तो जा करके उनकी प्रार्थना करने लगे उनको जगाने के लिए, और तब तक मधु कैटभ नाम के दो दैत्य भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो गए और वो दोनों ब्रह्मा से युद्ध करने लगे और हजारों वर्ष तक युद्ध करके ब्रह्मा को पराजित करने की स्थिति में ला दिया। तो ब्रह्मदेव ने जा करके भगवान विष्णु को जगाने की बहुत कोशिश की और भगवान विष्णु नहीं उठे, तो उन्होंने योग निद्रा का आवाहन किया और योग निद्रा की प्रार्थना की, तो योग निद्रा ने प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत कर दिया। और भगवान श्री हरि विष्णु को सब समाचार जब ब्रह्मा ने बताया तो उन्होंने कहा अब आप चिंता मत करिए, हम इनको देखेंगे। तो मधु कैटभ नाम के उन दोनों दैत्यों से भगवान ने 10,000 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन वो दोनों पराक्रमी दैत्य नहीं मारे जा सके। तब भगवान ने अपने माया से उन मधु कैटभ नाम के दोनों दैत्यों को मोहित किया। जब मोहित हुए तो उन दोनों ने कहा कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, विष्णु तुम वरदान मांग लो हमसे जो मांगना चाहते हो। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम दोनों की मृत्यु हमारे हाथ हो, यही मैं तुम लोगों से वरदान चाहता हूँ। कहें तथास्तु, लेकिन ऐसे जगह पे मारना जहाँ न पृथ्वी हो न आकाश, न जल हो न थल, ऐसी जगह पे मारना। उन्होंने कहा ठीक है। और भगवान विष्णु ने अपना इतना विराट रूप फैला दिया कि पानी पर बैठ करके योजन योजन की चार चार कोस 12-12 किलोमीटर की उनकी जंघा हो गई, और अपने जंघे पर मधु कैटभ को रख करके उन्होंने दोनों को मार दिया। तो ये कथा जब मैं कह रहा था तो मेरी बेटी उस समय 8वीं क्लास में पढ़ती थी, वो खड़ी हो गई। अच्छा, कान से बच्चे पैदा कैसे होते हैं? हाँ, बिल्कुल, कान से बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो मैंने उसको समझाया, हमने कहा बेटा अगर तुम्हारे छोटे भाई तुमको दीदी कहते हैं तब तो तुम अपना सारा सामान उनको दे देती हो, और जब तुम्हें कभी वो गुस्से में लड्डू कह देते हैं तब तो तुम उन्हें मारने के लिए दौड़ जाती हो। तो ये क्रोध और ये प्रशंसा ये दोनों आपके कान से ही पैदा होते हैं ना? कहें हाँ। हम कहा उसी तरह से भगवान विष्णु के कान से यहाँ दैत्यों के प्राकट्य के उपलक्षण से कथा बताई गई है। हाँ, अगर आपको कान में किसी ने गाली दे दिया तो आपके अंदर दैत्य पैदा होगा, आप गोली चला देंगे, और अगर आपकी किसी ने प्रशंसा कर दी तो आप उसे बढ़िया पकवान खिला देंगे, कुछ दक्षिणा दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे। तो ये कान से ही राक्षस और कान से ही दैत्य पैदा होते हैं और कान से ही देवता पैदा होते हैं, और कहीं से नहीं पैदा होते। देवता इसी कान से पैदा होते हैं। अगर कोई आपको किसी ऐसे भाषा में गंदी गंदी गालियां दे जिस भाषा को आप नहीं जानती हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि जो भी क्रोध या प्रसन्नता की मुद्रा बनती है वो कान से ही बनती है ना, तो कान से ही राक्षस पैदा होता है ना, कान से ही देवता पैदा होते हैं ना। इसलिए कहा जाता है हमेशा अच्छा सुनो, इसलिए हमेशा अच्छा। अब सुनना तो दूसरे के ऊपर है कौन क्या सुना रहा है, लेकिन हमें सुनना ही वही चाहिए जो हितकारी हो। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। और अब चलिए मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ। नवरात्र में चाहे दुर्गा मंदिर हो या कन्या पूजन हो, हम श्रृंगार सामग्री जरूर भेंट करते हैं। तो माँ अम्बे को भी क्या देवताओं ने श्रृंगार सामग्री भेंट की थी? किन देवता ने उन्हें क्या भेंट किया था श्रृंगार के लिए? पंडित जी ये बहुत दिलचस्प होने वाला है मुझे लगता है, इस पे प्लीज बताइए। ये भी भेंट की गई सामग्रियाँ थी माँ को? एकदम एकदम। माता को संपूर्ण रूप से सुसज्जित करने के लिए सभी देवताओं ने अपने सामर्थ्य के अनुरूप सारी वस्तुएं माँ को दान दी, हाथ जोड़ करके समर्पित किया। क्षीरो दस्वा मलम हारम मजरे च तथाम्बरे चूड़ामणिम तथा दिव्यम कुंडले कटकानि च अर्धचंद्र तथा शुभ्र केउरान
अर्धचंद्र तथा शुभ्रम केयूरान सर्व बाहुषु नु पुरौ विमलौ तद्वद ग्रैवैकैक मनुमुक्तमम् अंगुलीय रत्नानि समस्तास्वंगुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम्। समुद्र ने उज्ज्वल मोतियों से बना हुआ एक दिव्य हार माता को प्रदान किया। कभी न जीर्ण होने वाले दो दिव्य वस्त्र माता को समर्पित किया, दिव्य चूड़ामणि और दो कुंडल और हाथों में पहने जाने वाले सुवर्ण के रत्न जटित कड़े, अर्धचंद्र सब बाजुओं के लिए, केयूर और दोनों चरणों के लिए नूपुर, गले की सुंदर हंसुली और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया। ये माता के सुसज्जित होने में देवताओं ने अपनी तरफ से विनम्रता से और हाथ जोड़कर सारी वस्तुओं का निवेदन किया है। जय माँ विंध्यवासिनी। और क्या क्या भेंट हुआ पंडित जी माँ दुर्गा को और किन किन देवताओं के माध्यम से? देखो, अस्त्रानेक रूपाणि तथा भेद्यम च दर्शनम अम्लान पंकजा माला शिरस्यु रसिचा पराम। माँ दुर्गा को कई प्रकार के अस्त्र, अभेद्य कवच और कमल की मालाएं भी देवताओं ने दी, और जिससे माँ कात्यायनी दुर्गा इस जगत पर, इस धरातल पर, इस त्रिलोकी में अजेय हो गई। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर है पंडित जी, उसके बाद ये चर्चा और आगे बढ़ाऊंगी। आसनसोल पश्चिम बंगाल से पूजा। पूजा, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते। जरा जोर से बोलिए और अपना प्रश्न पूछिए, पंडित जी आपको सुन पा रहे हैं। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हम रीना बोल रहे हैं, अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। पंडित जी, मेरे बेटे का जन्मदिन है 13 जनवरी 2002 और बेटी का है 25 जुलाई 1996। बेटे के लिए पूछना चाहते हैं कि वो अभी डिप्लोमा कर रहा है, उसकी सरकारी नौकरी कब तक होगी और बेटी का नौकरी कब तक होगी, और शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, शादी मैंने विजयदशमी के दिन लड़का देखने जाना है, तो क्या हो पाएगी ये शादी कि नहीं, अब बेटा बेटी के भविष्य कैसा रहेगा आगे चल के? देखो ऐसा है, बेटी जयदेव तुम्हारी बड़ी है 6 साल की बेटे से, बेटा तुम्हारा छोटा है 6 साल के, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पुत्र प्रधान है, इसलिए तुमने पहले पुत्र के बारे में प्रश्न किया है, बाद में पुत्री के बारे में प्रश्न किया है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से जो बड़ी है सबसे पहले उसी का जवाब होगा। तो पहले पुत्री के बारे में जवाब देना चाहूँगा कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी जो है वो शनि है और उसे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि का अष्टाष्टक योग चल रहा है, अभी इसके नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रही बात विवाह की, तो विवाह के लिए अगर प्रयास करोगी तो इस साल अप्रैल से लेकर के 2025 में नवंबर दिसंबर तक इसके विवाह के संयोग बन जाएंगे और बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छे वर के साथ इसका विवाह होगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल और उससे दशम भाव का स्वामी शनि, मंगल शनि की स्नेहा दृष्टि से इत्साल है। आपका बेटा निश्चित रूप से बड़ी अच्छी आजीविका में जाएगा। सरकारी नौकरी होगी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि सरकारी नौकरी के लिए जो कारक ग्रह होते हैं वो सूर्य और मंगल होते हैं, ऐसी दोनों स्थितियों में इन ग्रहों की बड़ी मजबूत स्थिति नहीं है। ये कह पाना बहुत कठिन है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी आजीविका संतोषजनक रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।